नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेरुबरी यूनियन वर्सेस अननोन, एंड ये केस कौन से ईयर की है, तो ये है 1960 की केस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस केस को समझने से बेसिकली हमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास पावर है कि वो किसी इंडियन टेरिटरी को किसी और को दे सके अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड क्या प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, क्या बैकग्राउंड थी, एंड क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाए, एंड इससे क्या क्या जो है इसके आंसर्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, तो ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है। मेनली जो टेरिटरीज होती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो टेरिटरीज हैं उनकी एक्सचेंज को लेके ये केस जो है रिलेटेड है मेनली। तो ये जो है केस, ये बेस्ड है एक एग्रीमेंट पे। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? नेहरू नून एग्रीमेंट। ये कौन से ईयर की एग्रीमेंट है? 1958। सो फ्रेंड्स, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, इसके तहत जो बाउंड्रीज है नए नए प्रोविंसेस की, कौन से नए प्रोविंसेस? इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इनकी बाउंड्रीज हैं उनको डिटरमाइन किया गया था, एंड इसके लिए बाउंड्री कमीशन जो है अपॉइंट की गई थी बाय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल है उन्होंने अपॉइंट की थी एक कमीशन, एंड ये किसके चेयरमैनशिप के अंडर थी? ये थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर सिरिल रैडक्लिफ। तो ये कमीशन सेटअप होने के बावजूद जो है काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट देखने को मिले इंडिया और पाकिस्तान के बीच, एंड जो इस कमीशन के तहत जो बताया गया था कि क्या मैप होना चाहिए जो प्रोविंसेस हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो एक्चुअली में उनके डिफरेंट जो है मेनली डिपिक्शंस किए जा रहे थे, डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया जा रहा था। इंडिया अपना स्टैंड ले रहा था एंड पाकिस्तान अपना स्टैंड लेके वो अपने तरीके से जो है मैप को डिपिक्ट कर रहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डिस्प्यूट जो है क्रिएट हो गया था। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे श्री जवाहरलाल नेहरू एंड मिस्टर फिरोज खान नून, इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाई। तो इसी एग्रीमेंट की जो मैंने आपको नाम बताई थी, नेहरू नून एग्रीमेंट, इन्हीं दोनों के नाम पे ये पड़ा, एंड इट वॉज मेनली डन इन द ईयर ऑफ 1958। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू इस बात पे पहुंचा गया था कि जो ये यूनियन है बेरुबरी यूनियन, इसकी डिवीजन होगी बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो ये बेरुबरी यूनियन है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। इसका एरिया जो है मेनली इट इज़ 8.75 स्क्वायर माइल्स, एंड इसकी पॉपुलेशन है समवेयर अराउंड 10,000 टू 12,000 रेसिडेंट्स, एंड ये सिचुएटेड है इन दी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, जैसा कि आपको इस मैप में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट है नेहरू नून एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के सेकंड पैराग्राफ में कुछ मेंशन किए गए हैं इस यूनियन को लेके कुछ वर्ड सेंटेंसेस, तो वो क्या है तो मैं उस पैराग्राफ को पढ़ दूंगी आपके लिए। बेसिकली ये थर्ड आइटम है उस पैराग्राफ का, एंड इट इज़ द डिवीजन शुड बी मेड इन सच अ मैनर दैट द कूच बिहार एनक्लेव्स बिटवीन पचगढ़ थाना ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड बेरुबरी यूनियन नंबर 12 ऑफ जलपाईगुड़ी थाना ऑफ वेस्ट बंगाल विल रिमेन कनेक्टेड एज एट प्रेजेंट विथ इंडियन टेरिटरी एंड विल रिमेन विथ इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कूच बिहार एनक्लेव की एंड बेरुबरी यूनियन नंबर 12, जो कि वेस्ट बंगाल में है, एंड इट इज़ इन जलपाईगुड़ी थाना। एंड जो सेकेंड सेंटेंस है इट गोज़ लाइक दिस, द कूच बिहार एनक्लेव्स लोअर डाउन बिटवीन बोडा थाना ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड बेरुबरी यूनियन नंबर 12 विल बी एक्सचेंज्ड अलॉन्ग विद द जनरल एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स एंड विल गो टू पाकिस्तान। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो मेनली जो लोअर एरिया है जो बोडा थाना के बिटवीन है, इस वाले एनक्लेव को हमें देना है पाकिस्तान को, मतलब कि जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, एंड उस समय ईस्ट पाकिस्तान था वो। तो यही इस एग्रीमेंट में मेंशन है,
एंड इसी तरीके से एक और आइटम मेंशनड है इस एग्रीमेंट में, विच इज कि एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कूच बिहार एनक्लेव्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एनक्लेव्स इन इंडिया विदाउट क्लेम टू कॉम्पेंसेशन फॉर द एक्स्ट्रा एरिया गोइंग टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया को जो है कॉम्पेंसेशन की क्लेम नहीं करनी है, चूँकि जो एक्स्ट्रा एरिया है वो पाकिस्तान को जा रहा है। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस, द ओवरऑल बैकग्राउंड। एंड अब हम बात करेंगे अबाउट द लीगल इशूज़ जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे लीगल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले तो कन्फ्यूजन यहाँ पे ये थी कि ये जो एनक्लेव है उसकी एक्सचेंज हो रही है, तो क्या वो कोई लॉ ऑफ पार्लियामेंट के अंदर होगी जो कि आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, या फिर कोई सूटेबल अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368, या फिर दोनों के तहत जो है इस प्रोसेस को कैरी ऑन किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक डिलेमा था एंड ये कुछ लीगल इश्यूज थे जिनको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे थे। तो इस लीगल इशू में जो आर्टिकल 3 की बात हुई, तो आर्टिकल 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। एंड यहाँ पे और कुछ पार्ट्स हैं आर्टिकल 3 के जो कि आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो बेसिकली इसके बाद क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि उन्हें आर्टिकल 143 से मिलती है, जो दो क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड किए गए थे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कुछ इस प्रकार से थे। पहला जो था कि इज़ एनी लेजिस्लेटिव एक्शन नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू बेरूबरी यूनियन, तो क्या कोई लेजिस्लेटिव एक्शन की ज़रूरत है हमें फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्शन जो कि ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी हो रही है फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ सो इज़ अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेबल टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सफिशियंट फॉर द पर्पस, और इज़ एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी इन एडिशन और इन द अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आर्टिकल 3 है क्या वो सफिशियंट है इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए, या फिर हमें एक अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू आर्टिकल 168। एंड जो आर्टिकल 3 है क्या उसके साथ आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट ज़रूरी है, या फिर जो आर्टिकल 3 है उसके एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में हमें आर्टिकल 368 को यूज़ करके अमेंडमेंट करना है। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये पुट फॉरवर्ड किए गए थे। सो आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये आर्ग्यूमेंट्स जो पुट फॉरवर्ड किए गए हैं इस केस में ये किस बेसिस पे हैं, किस ग्राउंड्स पे हैं, तो दो ग्राउंड्स हैं, दो बेसिस हैं मेनली। सबसे पहला ये है कि जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली बताता है कि जो इंडिया जो है इट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो पूरी टेरिटरी है इंडिया की इट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ द पार्लियामेंट, एंड ये जो है इफेक्ट नहीं की जा सकती है बाय एनी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एक बेसिस थी जिस पे कि लोग आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड कर रहे थे। एंड सेकंड बेसिस क्या है, इट इज़ आर्टिकल 13C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सप्रेसली गिवन टू द कंट्री द पावर टू एक्वायर अदर टेरिटरीज, बट इट हैज़ नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर सीडिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो आर्टिकल 13C है उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे कि इंडिया अपनी किसी भी पार्ट को, किसी भी टेरिटरी को किसी और कंट्री को दे सकता है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया जो है टेरिटरीज ऐड कर सकता है, दूसरी कंट्रीज़ की टेरिटरीज ले सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे कि ये पता चले कि इंडिया जो है किस तरीके से अपने किसी भी टेरिटरी को किसी और कंट्री को दे सकता है। तो ये थी बेसिस आर्ग्यूमेंट्स की। तो इसके बाद हम आते हैं जजमेंट पे। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या स्टैंड था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसएग्री किया इस बात से कि ये जो एग्रीमेंट है इट इज़ no more than ascertainment and delineation of the boundaries in the light of the award। मतलब कि ये जो जिस तरीके से ये agreement हुई and इस territory की division हो रही है, तो इसे हम नहीं कह सकते हैं कि ये simply एक award है, it is
अवार्ड बाय इंडिया टू पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस, तो वो अभी हम जानेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस को समझने से हमें दो क्वेश्चंस की आंसर्स मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, उनकी पावर से रिलेटेड कि क्या वो टेरिटरी को दे सकते हैं या फिर नहीं अंडर दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दूसरा क्या था प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि जो प्रियम्बल है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड साथ ही ये भी बताया कि जो आर्टिकल 13C है ये कोई पावर या अथॉरिटी नहीं है जिससे कि इंडिया टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है, ये कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, ये बस एक प्रोविजन है जिससे कि इंडिया जो है फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है एंड उसे इंडिया में शामिल कर सकता है, उसे इंटीग्रेट कर सकता है। सो दिस इज़ नॉट इन परसुएंस ऑफ एनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी। एंड जो आर्टिकल 368 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चूँकि हमें उससे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर मिलती है तो आर्टिकल 1 जो है वो भी इसकी एरेना में फॉल करता है एंड आर्टिकल 1 को भी अमेंड किया जा सकता है। तो लॉजिकली देखा जाए तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इट हैज़ गॉट द पावर, इंडिया हैज़ गॉट द पावर टू सीड नेशनल टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 3 जो है इसमें यूनियन टेरिटरीज़ की बात नहीं की गई है, तो अगर कोई यूनियन टेरिटरी है जिसके पार्ट को दिया जा रहा है किसी फॉरेन स्टेट को, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है जिसके तहत जो है इस प्रोसेस को कैरी ऑन किया जा सकेगा। तो जो कोई यूनियन टेरिटरी का पार्ट है अगर उसे हमें किसी और स्टेट को देना है फॉरेन स्टेट को, तो वो कैरी ऑन किया जा सकता है ओनली थ्रू दी प्रोसीजर विच इज़ अंडर दी आर्टिकल 368 मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड कि इट वुड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीमेंट। मतलब जो नेहरू नून एग्रीमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 3 इज नॉट एनफ, एंड इसलिए ये जरूरी है कि आर्टिकल 368 के तहत ही जो है इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मस्ट। सो फाइनली ये जो एग्रीमेंट है चूँकि इसमें एक पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है टू दी फॉरेन स्टेट, तो यहाँ पे फॉरेन स्टेट कौन इन्वॉल्व है, पाकिस्तान। तो इसलिए हमें अल्टरेशन की ज़रूरत है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 1, मतलब आर्टिकल 1 में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, एंड साथ ही फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी रेलिवेंट पार्ट्स में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चूँकि ये जो प्रोसेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है एंड इट विल बी डन थ्रू आर्टिकल 368। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आंसर्स दिए चूँकि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे विथ रेस्पेक्ट टू दिस केस। तो जो सबसे पहला आंसर है इट इज़ अ लेजिस्लेटिव एक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द बेरूबरी यूनियन। सेकेंड वन इज a law of parliament under article 3 of the constitution would be incompetent and a law relatable to article 368 of the constitution is competent and necessary. Third one is for exchange of enclaves too the same procedure is to be followed. So ye thi statements by the supreme court of india. So this is all about this case, and agar hum baat kare is case ke importance ki to hame isse pata chalta hai ki preamble is not part of the constitution. फिर पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आर्टिकल 1 जो है वो भी अमेंड किया जा सकता है थ्रू द आर्टिकल 368। देन इसके बाद अगर कोई टेरिटरी है उसकी पार्ट को देना है किसी और टेरिटरी को, तो इसके लिए जो अमेंडमेंट है वो करना ज़रूरी है अंडर द आर्टिकल 368। सो सच एन अमेंडमेंट कैन बी मेड ओनली अंडर आर्टिकल 368। सो फ्रेंड्स इस केस का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एनैक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज 9th अमेंडमेंट एक्ट, ओके, एंड इट वॉज इन द ईयर ऑफ 1960 एंड इससे इफेक्ट मिली थी टू दी नेहरू नून एग्रीमेंट ऑफ 1958। फिर बेरूबरी यूनियन जो है इट वॉज डिवाइडेड एंड जो एनक्लेव्स थे देवर एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ एनक्लेव्स फॉर एनक्लेव्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ टेरिटोरियल लॉस और गेन। सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। So thank you so much for watching.